आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, मैं इसमें आपको भैंस के योगदान के बारे में बता रहा हूँ कि भैंस का योगदान जो है वो हमारे इकोनॉमी में क्या है। भैंस हमारे यहाँ करीब 150 मिलियन भैंसे हैं, इसकी दुगनी गाय है। तो ज़्यादातर लोग भैंस ही रखते हैं क्योंकि इसमें एक तो फुट एंड माउथ डिजीज नहीं होती, इसमें कोई डिजीज नहीं होती और ये इसकी हाउसिंग की भी कोई खास आवश्यकता नहीं है। ये जो है पानी में तैर जाती है और अगर बाढ़ आ जाए तो ये कई दिन तक पानी में जिंदा रह सकती है। और दो तरह की भैंसें होती हैं, एक तो दूध वाली होती है, रिवराइन ब्रफाइल होती है, जो हरियाणा पंजाब में होती है, पाकिस्तान में होती है, यहीं होती है और कहीं नहीं होती। और दूसरी जो है स्वयं ब्रफाइल होती है, वो जो है ज़्यादा दूध नहीं देती, दूध बहुत कम देती, पर वो जीवी ट्रैक्टर है। सारी धान की खेती साउथ ईस्ट एशिया में उसी से ही होती है और उसका योगदान मीट में भी है और बहुत हार्डी है वो, मतलब ड्राफ्ट में भी काम आती है, धान की खेती में काम आती है। तो मैंने ये बताया कि ये जो भैंसें हैं ये थोड़े से चारे पे, रफ किस्म के चारे पे ही रह जाती हैं। अंगोला इनको मिल जाए, गन्ने का अंगोला, तो जहाँ जहाँ गन्ना होता है वहाँ वहाँ ये खूब फलती फूलती हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग इसको रखते हैं वो इसका दूध भी निकाल लेते हैं। इसका दूध भी निकालना में मशीन का ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, तो वो लोग खुद दूध निकाल लेते हैं। और ये सुबह चरने चली जाती हैं और शाम को लौट आती हैं, जोड़ में चली जाती हैं, नदी में चली जाती हैं, पूरी यमुना के किनारे किनारे ये आपको बफेलो ही दिखेंगी। इनकी ब्रीडिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ बुल रहता है, ऐसा ये जो है वो प्रेग्नेंट भी रहते हैं, इनका रिपीट ब्रीडिंग की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है बहुत ही अद्भुत जानवर है। ये कई साल तक जिंदा रहता है, कम से कम 20 साल तो रहता ही है। अभी मेरे यहाँ एक साहब आए थे, वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ था एक बफेलो है, वो 28 बार ब्याली है, अब हम जो है उस अब बच्चा नहीं लेते हैं। जो इसकी दिक्कत है वो ये है कि ये सीजनल ब्रीडर है, ये जो है जुलाई अगस्त में ब्याती है और इसका जो वो है जेस्टेशन पीरियड वो 10 महीने है। तो इसलिए ये अगर इस साल जुलाई में ब्या गई तो अगले साल अगस्त सितंबर में ब्याएगी, फिर मतलब इसी तरह इसका जो है वो काविंग पैटर्न जो है वो होता रहता है। गाय का ऐसा है वो 9 महीने होता है उसका, तो वो उसी दिन मतलब ब्याती है, मतलब उसी साल में उसी पर इसका शिफ्ट होता रहता है। और क्योंकि ये शॉर्ट ब्रीडर है तो जब ये लौटने में जाती है तो उस वक्त ये ब्रीड नहीं करती है। अगर आपके पास भैंस है और आप गर्मी में उसको रख रहे हैं, अगर आप उसको 5 बजे के बाद पर्दे में अंदर कर देते हैं, बिजली नहीं जलाते हैं, तो वो ब्रीड करने लगेगी। ठीक है, आजकल जोर तो नहीं है पर लोग फिर भी इसको उस पर लगाते हैं, मतलब वगर वगर लगा देते हैं, तो सही है। दूसरी बात यह है कि इसका दूध भी 60-70 रुपये किलो बड़ी आसानी से बिक, और उसकी मिठाई विठाई भी बहुत अच्छी बनती है। तो जो भारत वर्ष का आधा दूध है इसी से पैदा होता है, आधा दूध जो है, आधे दूध में बफेलो का ही योगदान है, 5% बकरी का दूध आता है और 20-22% जो है वो क्रॉसब्रेड है, बाकी सब देसी गाय तो आप जानते ही हैं बहुत कम दूध देती हैं। तो जैसे पूर्वी हिस्सा है देश का जहाँ मछली खाते हैं वहाँ पे ये गाय वाय रहती है, ज़्यादा स्वयं बफेलो रहती है, और पश्चिमी हिस्से में मुर्रा बफेलो बजाना का बहुत ही पेट जानवर है। अब दूध गर्मी में ये देती नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए लोग इसके संग संग होलिस्टीन फ्रीजन गाय भी रख लेते हैं। एक बात मैं आपको ये और बता दूं कि इसमें एम्ब्रो ट्रांसफर नहीं होता और इसके जेनोमिक एनिमल्स भी नहीं है, बहुत अच्छे सांड है ABS के पास और पाइप के पास, और उनसे सफलतापूर्वक 15-20 लीटर की ये जो भैंस है वो पैदा हो जाती है। इसके बच्चों का भी कोई दिक्कत नहीं है, बिक जाते हैं, सेक्स सीमेन इसका अवेलेबल है। इसमें प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की एक प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा, या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो गया, बाकी HS की प्रॉब्लम थी, HSBQ, और तो उसका वैक्सीनेशन होता है, HS का भी होता है, BQ का भी होता है, फुट एंड माउथ का होता है। इसमें ब्लड प्रोटोजोअन भी काफ़ी होते हैं, मतलब अब इसमें थलेरिया भी देखा जाता है, पहले तो थलेरिया नहीं होता था, पर थलेरिया, बवेसिया, एनाप्लाज्मोसिस इससे ये काफ़ी ग्रसित हो जाती हैं और काफ़ी नुकसान होता है। तो इसका मैंने यही आपको समझाया कि बफेलो बहुत अद्भुत जानवर है और हमारे यहाँ इसकी संख्या बढ़ती जा रही है।
ये 2.5 के रेशियो से हर साल इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो इसका जो है ये भी है कि अगर ये बाद में बिक भी जाती, बाद में 30-40 हज़ार रुपए की बिक जाती, तो जो गरीब किसान है तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है। मैं सन 71 से इसको देख रहा हूँ, सन 71 में 10 हज़ार की बफेलो आती थी, आज जो है 1.5 लाख की आती है, 1.5 लाख, 2 लाख, वैसे तो 5-5 लाख की भी आती है। पर मतलब क्योंकि ये जो है एक ब्याज में 4.5 से 5 हज़ार लीटर दूध, 5-7-35 मतलब 3 लाख का दूध दे देती है, 3 से 2.5 लाख का दूध। कोई मैस्टाइटिस वगैरह भी ज़्यादा नहीं होती इसमें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। प्रोलैप्स और यूट्रस की दिक्कत है और अबॉर्शन भी इसमें हो जाते हैं, पर उसको भी आप रोक सकते हैं। तो अगर आप बह सकते हैं और वैक्सीनेट करा लेते हैं तो वो आपका धन का धन है, वो उसको आप कभी भी बेच सकते हैं, उसके बिकने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप, मैंने ये बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा पंजाब में जो है वो मुर्रा बफेलो है, वैसे बहुत से लोग नीली भी रखते हैं पर वो कम ही देखने को मिलती है। मुर्रा सबसे दूध देती है, 25-25 लीटर तक दूध देती है, पर एवरेज 15 लीटर जो है अच्छी बफेलो दे देती है। और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ स्वयं बफेलो, उसका काम जो है खेत में काम करना और सवारी भी करते हैं उस पर लोग, और वो मीट में भी काम आती है। धन्यवाद, आपने सुना, तो संदेश यही है कि इसमें जो है वो एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं होता और इसमें जीनोमिक बफेलो नहीं है, पर अभी इसका यहाँ आपूर्ति से इसका ब्लड वहाँ भेजा गया है अमेरिका, और आपको इसके जीनोमिक एनिमल्स भी मिल जाएंगे जो कि करीब 30 लीटर दूध देंगे। मैं सही हूँ, मेरे यहाँ देहरादून में एम्ब्रियो ट्रांसफर लैब है, मैं खुद ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करता हूँ अपनी गायों में, और ब्राजीलियन रिडिका सीमेन भी यूज करता हूँ। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो ये मार्केट में एक्विवेलेंस जो है वो देती है, जिनका नंबर जो है 02-75-23-503, आप इनको संपर्क कर सकते हैं, आप मुझको भी कभी संपर्क कर सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए। मेरा टेलीफोन नंबर 8979-74-8686। धन्यवाद आपका।